ये जमीयत उलमा का फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी नहीं, आज ही कई लोग हैं ना, तो एक मिल जाएगी आज ही, मोहम्मद हारून साहब। थैंक यू, चलिए थैंक यू वेरी मच। और जो पूरे पास मैं सैयद इरफान अली, लाइफ ओके भोपाल मध्य प्रदेश रिपोर्टर। मैं आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में, यहाँ जो मैं जमात उलमाए हिंद के लोग यहाँ पे इमरान हारून साहब एक ज्ञापन देने आए, मैं आज उनसे पूछता हूँ यह ज्ञापन क्यों और किस लिए दिया गया है। इमरान साहब बताएं यहाँ पर क्यों और किस लिए आए। साथ मिलकर आज यहाँ ज्ञापन दिया है। आजकल हमारे भारत का जो माहौल चल रहा है, कई बलात्कार की घटनाएं, कई के नाम पर हत्याएँ, और बहुत ज़्यादा माहौल खराब चल रहा है। हमने अपने कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि भारत सरकार पूरी उस पर तवज्जो दे और जो बिगड़ का माहौल है उसको काम करें। जिस तरह से आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी यहाँ पर ऐलान किया था कि 8 तारीख को हम एक ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं कि 3 साल का कड़ी सजा होगी जो लोग मोम लीचिंग या किसी भी अपराध को, घटना को अंजाम देते हैं, क्या आप 3 साल से संतुष्ट हैं? भारत के अंदर बढ़ते रहे अपराधों के प्रति इस तरीके से माध्यम से संकेत के ऊपर आने का सुनिश्चित हुआ, और जिस तरीके से मंडन किया इसके ऊपर इसी के खिलाफ इस ज्ञापन के माध्यम से माहौल को सर, ये आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो 3 साल का कड़ा कानून लाने के लिए जो वादा किया है और वो आज पारित भी कर रहे हैं, क्या इस 3 साल के कानून से आप लोग खुश हैं? क्या 3 साल की सजा को ला करके या कड़ा कानून ला करके जो विद्रोही हैं और जो ये इस तरीके के मोम लिंचिंग जैसी घटनाएं करते हैं, इनको बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या? अपराध करेंगे उनको कारा के लिए सजा देना चाहिए। 3 साल की सजा से आप संतुष्ट नहीं, या आप क्या चाहते हैं? 3 साल से ऊपर से कितना किया जाए? आजीवन मैं लाइफ ओके के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर पहले से ही एक कानून है 302 का। अगर किसी का भी कोई भी अगर मर्डर करता है 302 का मुकदमा लगता है, और उसमें पहले से फांसी का प्रावधान है और आजीवन कारावास का है, कम से कम 10 साल का है। क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से या सरकार से मांग करें उसी 302 को कड़ी से कड़ा कानून लेकर के आएँ, और वो ये लेकर के आए कि 15 दिन के अंदर फास्ट एड कोर्ट में किसी भी तरीके से हत्या हो और उसमें 302 का मुकदमा लगाया जाए और उनको 15 दिन का फास्ट एड कोर्ट में सुनवाई करके फांसी की सजा दी जाए, क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? बिल्कुल, हमने ये मुतालबा भी किया है मध्य प्रदेश सरकार से कि 3 साल की सज़ा जो है वो मामूली रेल यात्रा में जो बगैर टिकट यात्री यात्रा करता है उसकी सज़ा होती है, और भीड़ तंत्र के नाम पर हत्या करना ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है, तो इसकी सज़ा या तो फांसी की सज़ा होना चाहिए या फिर ऐसी उम्र कैद हो जिसमें ना तो जमानत हो ना ही पैरोल हो, और उस कैदी को भी अन्य कैदी जो साधारण कैदी रहते हैं उनसे अलग, जैसे पहले काला पानी की सज़ा होती थी, इस टाइप की सज़ा में अलग रखना चाहिए। ये थे हमारे जमीयत उलमा हिंद के इमरान हारून साहब और हमारे सिख समाज के ज्ञानी जी और हमारे बौद्ध धर्म के गुरु जी थे, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। मैं आप लोगों से लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसके माध्यम से समाज
जो शोषित हैं, जिनकी आवाज़ अभी तक नहीं उठी उठा नहीं पाए हैं, ऐसी आवाज़ हम लाइक सर आप आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सैयद इरफान अली, लाइव ओके भोपाल मतलब।